ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वे बैक पोस्चर के विषय में कि स्वे बैक पोस्चर क्या होता है, इसमें क्या पोस्चर में चेंजेस आते हैं, इसके लिए कौन कौन सी मांसपेशी रिस्पॉन्सिबल है, इस पोस्चर को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, इस पोस्चर को कैसे हम मेज़र करें और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बट दोस्तों, एक्सरसाइज समझने से पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वे बैक पोस्चर में होता क्या है। तो दोस्तों, यदि स्वे बैक पोस्चर की बात करूँ तो इसमें हेड से लेकर के और हमारे फुट तक पूरा इन्वॉल्व होता है। बिकॉज पहले भी मैंने कई बार इस चीज़ पे डिस्कस किया है कि पोस्चर हमेशा एक सेगमेंट को लेके नहीं चलता है। इसके लिए डिटेल डिस्कस मैंने किया है कि पोस्चर में कौन कौन सा एरिया है, क्या है, उसके विषय में ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें बात करते हैं, अब हम हेड से पैर के तरफ यानी कि सिर से पैर के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेज हो रहा है। तो दोस्तों, यदि मैं सर की बात करूं तो सर हमारा क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है, यानी कि जो हमारा पोस्चर है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि हेड जो है फॉरवर्ड चला जाता है, जैसे गर्दन आगे की तरफ जाती है वैसे हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है, इसमें जो हमारा कर्वेचर है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है या एक्सटेंशन इसका बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होती है, जैसे कि आप मेरे गर्दन को यदि देखेंगे तो ये यदि आगे की तरफ जाएगा तो ये ACM मसल जो आप देख रहे हैं ये आगे क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। इसके साथ में पीछे स्केलेनाइन मसल और जो हमारा सब ऑक्सीपिटेलिस मसल है ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में एक तो यहाँ की मसल छोटी हो गई, दूसरा ये मसल छोटी हो गई। तो जो मसल छोटी होगी वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और जो मसल लेंदन होगी वो मसल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो सबसे पहले नेक पे एक फिनोमिना हमने देख लिया कि इसमें हमारा गर्दन आगे हो रहा है और कर्वेचर बढ़ रहा है। सेकंड की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारा इस स्केपुला पे यदि आ जाते हैं तो इस स्केपुला में क्या हो रहा है, हमारा शोल्डर हल्का सा राउंड हो जा रहा है और थोरेसिक स्पाइन में क्या हो रहा है, पीछे की तरफ कैफोसिस बढ़ जा रही है, हल्की कैफोसिस बढ़ती है। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, जब ये शोल्डर आगे की तरफ आएगा तो जो आप इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारे पेक्टोरलिस मसल है ये क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। पीछे की जो स्केपुला रिट्रैक्टर मसल से जो स्केपुला को पीछे खींच के रखती है ये क्या हो जाएगी, लेंथन हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जब ये काफोटिक होगी दोस्तों तो ये इंटीरियर चैन हल्का सा क्या हो जाएगी, शॉर्टर होने लगेगी। और इसके साथ ही साथ पीछे इरेक्टर स्पिनाई मसल जो हमारी थोरेसिक का ऊपर वाली है वो क्या हो जाएगी, लेंथन होने लगेगी और वो बड़ी हो जाएगी और वो वीक हो जाएगी। तो इसमें वीक कौन कौन से हुए, हमारे स्केपुलर रिट्रैक्टर हो गया, इरेक्टर स्पिनाई हमारा थोरेसिक एरिया का हो गया। और शॉर्टनिंग किसकी हो रही है, शॉर्टनिंग में हमारी आगे की जो पेक्टोरलिस मसल्स है और इंटीरियर चैन ये क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो नेक, स्केपुला और हमारा चेस्ट की मसल ये तीनों इन्वॉल्व हो गई। इससे नीचे चलने से पहले सिम्टम की बात करते हैं कि यदि नेक आगे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमारे हेडक होने के चांसेस हैं, हमें एक तरीके से बोले ना कि हमेशा है कि हैजीनेस फील होगा, लगेगा जैसे सर में कुछ भारी भारी सा लग रहा है, बोझ रखा हुआ है, या फिर टाइटनेस फील होगा, कभी कभी इस एरिया में भी टाइटनेस फील होने लगेगा। ये तो हमारा गर्दन आगे होने की वजह से सब ऑक्सीपिटेलिस की टाइटनेस से, और जब ये ACM की टाइटनेस होगी दोस्तों तो इस एरिया से पकड़ते हुए ये एरिया भी कभी कभी पेन करने लगता है और पेशेंट को लगता है कि माइग्रेन हो गया। सेकेंड, इस पोस्चर की वजह से क्या हुआ, जब ऐसे हुआ तो शोल्डर आगे को हो गया, जब शोल्डर आगे को हुआ और तो हल्का सा काफोसिस हुआ, ऐसे कंडीशन में हमारा लंग्स की एक्टिविटी कंप्रोमाइज करने लगती है और हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो पुअर हो जाता है और लंग्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। साथ में जब ये आगे की तरफ झुकता है तो जो हमारा एब्डोमेन का एरिया है इस पे भी प्रेशर आता है और हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग नीचे की बात करते हैं, लंबर स्पाइन की बात करते हैं, पेल्विक की बात करते हैं, हिप की बात करते हैं और नी की बात करते हैं।
तो दोस्तों जो कमर है हमारा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि लार्डोसिस बढ़ जाती है तो उसका डायरेक्टली कोरिलेट कर देते हैं कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लार्डोसिस दिखती ज़रूर है। क्यों दिखती है? क्योंकि जब हमारा काफोटिक से नॉर्मल नीचे जब पेल्विक पोस्टीरियर टिल्ट होती है तो वहाँ पे लार्डोसिस हमारे स्पाइन पे इंक्रीज हो जाती है, और इसका रीज़न है हमारा एब्डोमेन मसल्स, क्योंकि एब्डोमेन मसल कुछ वीक हो जाती है और कुछ मसल्स हमारी टाइट हो जाती है अपर एंड लोअर के हिसाब से। अब बात आती है कि यदि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हुआ और उसके साथ में जब हिप हमारा एक्सटेंडेड हो गया, पीछे की तरफ आ गया, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, तो इस वजह से जब हिप एक्सटेंडेड हो गया, पैल्विक पोस्टीरियर टिल्ट हो गया, तो हमारा कमर पे हल्का सा आपको लार्डोसिस दिखने लगता है, जिसको कि कई जगह कन्फ्यूजन में इंटीरियर पेल्विक टिल्ट के नाम देते हैं, बट रियल में पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमारा हिप फ्लेक्सर मसल वीक हो जाती है, या कहिए लेंथ लंबी हो जाती है, और पीछे हेमिस्टिंग मसल हमारी क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है। जिसकी वजह से एक और भी चीज़ देखने को मिलता है कि नीचे हमारा नी जो है वो हाइपर एक्सटेंशन के तरफ चला जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि ऊपर के सिम्टम है, इसी तरह यदि हमारा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है और हेमिस्टिंग टाइट हो रही है और आगे हिप फ्लेक्सर वीक हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलता है? कमर में दर्द रहना, कमर में स्टिफनेस रहना, डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है, डिस्क में डिजनरेशन देखने को मिलता है, और हमें लोअर बैक पेन और स्टिफनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके साथ में हिप फ्लेक्सर का वीकनेस की वजह से इंटीरियर थाई में भी कभी कभी हमें पेन देखने को मिलता है, और हैमस्ट्रिंग के टाइटनेस की वजह से पीछे के थाई में पेन देखने को मिलता है, और कभी कभी तो हैम्स के टाइट होने से काफ पे भी प्रभाव पड़ता है, और कई बार ऐसा सिम्टम लगता है कि कहीं साइटिका तो डेवलप नहीं हो गया है, जबकि रियलिटी में ये मस्कुलर चैन होता है। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे से स्टेप बाई स्टेप बता दिया। अब बात करते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी टेक्निक धीरे धीरे डेवलप हुई, कुछ पुरानी है, कुछ नई है, और कुछ बिल्कुल लेटेस्ट है। तो पहले हम लोग स्वे मीटर से देखा करते थे, जिसका एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं आती थी और बहुत टफ होता था, और उसमें बहुत एरर के चांसेस होते थे, कभी ग्राफ मेथड से मेजर होता था। बट दोस्तों यदि मैं रिलायबल की बात करूं तो अभी मैं जैसे आपको हर वीडियो में बताता हूं कि डायर्स कंपनी का 4D पोस्चर लैब मैं अपने क्लिनिक में यूज करता हूँ, जिससे कि ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा काफोटिक एंगल कितना है, लार्डोटिक एंगल कितना है, कौन सा शोल्डर अप हो रहा है, कौन सा शोल्डर डाउन हो रहा है, पेल्विक ओब्लिक्विटी कितनी है, और नीचे जो पैर रखते हैं जो प्लेट है उससे हमें लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के विषय में पता चल जाता है। तो ये लेटेस्ट टेक्निक में दोस्तों बहुत सारे डिजिटल पोस्चर लैब हो गए हैं, जहाँ जाके आप इजीली इन सब चीज़ों को पता कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पोस्चर लैब में लेते हैं तो पेशेंट की पोजीशन स्टैंडिंग होती है और वेट बियरिंग पोजीशंस में होता है, तो और इजीली हमें पता चल जाता है। यदि सेकेंड टेक्निक की बात करूँ दोस्तों, जो कि हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे रिलायबल देखते हैं, तो वो होता है मसल लेंथ की टेस्टिंग करना। जैसे मैंने बोला ACM की लेंथ की टेस्टिंग करना, सब ऑक्सीपेटेलिस मसल की, इसी तरह पेक्टोरेलिस की, ऐसे हेमिस्ट्रिंग की, ऐसे हर मसल का लेंथ टेस्ट हम करते हैं और प्रॉब्लम से रिलेटेड करते हैं। ऐसा नहीं कि स्वे बैक की प्रॉब्लम है तो पेशेंट आया तो सब जगह की ज़रूरत है, हो सकता है किसी का अपर पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है, किसी का लोअर पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो कुछ एक्सरसाइजेस प्रिवेंटिव होती हैं और कुछ एक्सरसाइजेस क्यूरेटिव होती हैं। तो जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग क्यूरेटिव करते हैं, और दोनों तरह के मसल रिलीज करना भी उतनी ही ज़रूरी है जो टाइट है उसको, जितना कि कमजोर मसल को स्ट्रेंथन करना है। तो बहुत बैलेंस वे में काम करते हैं, और एक मैं हमेशा बोलता हूं जो सबसे जरूरी है, रिकॉल सिस्टम और पेशेंट को एजुकेट करना कि कौन कौन से पोस्चर्स को सुधारना है और कैसे सिटिंग पोस्चर लेनी है, इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं। दोस्तों रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में जो मसल टाइट है उसके लिए शॉक वेव, FMS, ऐसे कई सारे लेटेस्ट मोड हैं हम लोग पास, कपिंग हो गई, ISTM हो गया, जिससे कि हम रिलीज करते हैं, और स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत सारी टेक्निक है जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।